हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप कमेंट में नहीं बताते कि आप सब कैसे हो, तो आप ज़रूर बताना। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो चमचम, जो कि मेरे बच्चों के डिमांड पे है। मैं कोई भी डिश जो भी बनाती हूँ, मैं बच्चों के लिए ही बनाती हूँ और बच्चों के डिमांड पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे ही स्पेशल है। अगर वही नहीं खाते तो मेरे हस्बैंड फिर निराश हो जाते हैं और उनको पसंद भी नहीं आता है। तो मैं सिर्फ जो भी बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए ही बनाती हूँ अक्सर। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी ओरियो चमचम। तो ओरियो के ये 10 रुपीज़ वाले 2 पैकेट हमने ले लिए थे। ये क्रीम के साथ ही हम इसे फाइन पाउडर बना लेंगे, क्रीम निकालना नहीं है इसमें। क्रीम के साथ ही बिल्कुल फाइन पाउडर बना के इसको छन्नी से छान लेना है अच्छी तरह से, ताकि उसमें बिल्कुल थोड़े भी टुकड़े वगैरह ना रह जाएँ। इसलिए छन्नी से इसे ज़रूर छान लेना और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना आप। उसके बाद हमने छन्नी से छान लिया है प्लेट में, बहुत ही टेस्टी बना और बहुत ही अच्छा भी लगा। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा, कहाँ से सीखा आपने और ये कहाँ से बनाया। उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे डिश तो कहते हैं नहीं, बट हाँ ये खाया बच्चों के साथ में तो उनको भी पसंद आया। मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी को तो पसंद आया और मेरे बच्चे तो बहुत खुशी मन से खाए। फिर मैंने इसमें ले लिया है दो से तीन चम्मच हमने इसमें मलाई ले ली, फ्रेश मलाई, घर की मलाई है। अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो प्लीज़ आप स्किप कर देना। बाहर की मलाई बिल्कुल यूज़ मत करना, ये हमारे घर की फ्रेश मलाई है। इसको हम थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स करके, ये है दूध वाला पाउडर, पाउडर जो आता है एवरीडे पाउडर, पैकेट का कोई सा भी आप ले सकते हो दूध पाउडर। तो आप इसको 1 बड़े चम्मच लेके, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लीजिए। उसके बाद हल्का सा दूध ले लीजिएगा, दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बीच का दूध होना चाहिए। उसको थोड़ा थोड़ा लेके और चम्मच से हमको या किसी चीज़ से आप इतना मिक्स करिए कि थोड़ा सा बिल्कुल फ्लफी हो जाए। और 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा मेरा गाढ़ा था, थोड़ा सा दूध और हमने ऐड किया है। तो डालने के बाद आप बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रहे, और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से आप मिलाते रहिए ताकि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए। और इसमें चीनी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट बहुत ही मीठा है, इसमें चीनी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे और आगे का हम बताते हैं कि हम इसमें क्या बना रहे हैं। हम थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे, तो कोई जो बड़ा बर्तन हो उसमें ले लिए हमने, एक बॉल ले लिया है थोड़ा बड़ा, उसमें हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है। 1 कटोरी चीनी नाप से लीजिए तो लगभग 200 ग्राम चीनी है हमारा, 200-250 ग्राम चीनी के है उसमें। 1 कटोरी अगर चीनी है आपकी तो आप उसमें 1/2 कटोरी पानी ज़रूर डाल देना, 1/2 कटोरी पानी है। ये हमारे कुछ ब्रेड के स्लाइस हैं, 8-10 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। आप किसी भी माप से, किसी भी नुकीले चीज़ से आप इसे कट कर दीजिए। तक हमारी चाशनी हो रही है, अभी हमने गैस पे चाशनी भी रख रखी है, इसको तब से मैं कट कर रही थी। और आप कटोरी से या किसी चीज़ से आप इस तरह गोले गोले इसको जो है भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर्कल बनाना है फ्रेंड्स। तो हमने ये कट कर लिया है इस तरह से, और ये हमारी चाशनी हो रही है। तो थोड़ी सी उबलने लगी है हमारी चाशनी, इसमें हम थोड़ा केसर डाल देंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के, केसर डाल दिया हमने। और ये हमारा हो रहा है थोड़ी चाशनी, चाशनी तब तक पकने देना तक ये थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा सा ना लगे, तब तक चाशनी पकने देना है। चाशनी हमारी ये बन रही है, बन चुकी है लगभग, बिल्कुल तार की तरह हो गया है हमारी चाशनी। तो इसको हम गैस से, ये देखिए बिल्कुल हाथ में ये देखिए चिपकने लगे और एक तार सा बनने लगे, चाशनी हमारी हो गई है। चाशनी को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और चाशनी थोड़ी ठंडी होने देंगे, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं है। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे थोड़ा और ये ठंडा हो जाए मेरा। देखिए चाशनी हमने एक बॉल में निकाल दिया है, किसी बड़े बर्तन में निकालना फ्रेंड, जिसमें अच्छी तरह से वो डीप हो जाए। तो ये हमने ले लिया, ये हमारा ये जो है ओरियो हमारा ये रेडी हो गया है। तो हम इसको थोड़ी थोड़ी जो है अपना फीलिंग उसमें अच्छी तरह से बैटर जो है लगाएंगे इसमें, अच्छे बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे, ये देखिए। और एक पेड़ हम इसको ऐसे करके हम इसमें दबा के रख देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा इस तरह से हो जाएगा। हम सारे इस तरह से बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे जो है, हमारा ये जो चाशनी है बहुत गर्म भी नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है, हाथ डालिए तो थोड़े से आपको गुनगुना सा लगे। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसमें अपने ब्रेड को डिप कर देंगे,
डिप करने के बाद, चाशनी निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम जो है ये हमारा कोकोनट पाउडर है, नारियल का बुरादा, इसमें हम अच्छी तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे। देखिए हमने बना दिया है। इस तरह बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख देना फ्रेंड्स, इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रख देना, ताकि जो है हमारा अंदर का जो फीलिंग है वो अच्छी तरह से, हमारे जो चॉकलेट है अंदर का अच्छी तरह से वो टाइट सा हो जाए और ये जो चाशनी है हमारा बिल्कुल ब्रेड में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में इसको रख दिए हैं, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी और अच्छे से इसको थोड़ा सा गार्निश कर देना। अब मेरे पास चेरी थी, हमने चेरी से थोड़ी सी गार्निश कर दी है, आपके पास हो तो गार्निश कर देना, आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं फ्रेंड। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो ये कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और शेयर तो ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।